जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको समझाया है, व्हाट इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस। प्रोनाउन वे शब्द कहलाते हैं जो कि हम नाउंस की जगह यूज करते हैं। सी वन पिक्चर इज हियर। पर्सनल प्रोनाउंस आई दे वी शी ही यू। पजेसिव प्रोनाउंस माइन theirs, ours, hers, his, yours. See, one more picture is here, pronoun chart. Here one boy means singular noun, he, him, his, himself. Girl, singular pronoun, noun, we will use pronoun she, her, hers, herself. For an animal, for one object, or non-living thing, we will use it, its, itself. And for the group and more than one nouns, we will use they, them, theirs and themselves. See, this picture, I मतलब मैं, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं। We मतलब हम सब, उसमें मैं भी हूँ। You मतलब तुम, यानी कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। यू स्टूडेंट्स, यू वर्ड ऐसा है जो कि हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। यू मतलब तुम सब। शी, हम किसी बॉय के बारे में, सॉरी किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। शी, ही मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय। दे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप और मोर देन वन नाउन। एंड इट, इट मतलब वन ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एन एनिमल। लुक एट दिस सेंटेंसेस। आई लव द किटन्स, द किटन लव्स मी। फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस वी यूज आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस वी यूज मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आई, यू, वी, ही, शी, it, they, me, us, you, him, her, it, them, ये सब हमारे pronouns हैं जिनको हम nouns की जगह यूज करते हैं। Let us look at some more sentences and circle the pronoun. He plays with cricketers, the cricketers play with him. Students, ये exercise आपको घर पे करनी है। इसमें जितने भी pronouns हैं उन्हें हमें circle करना है। First exercise में आपको समझा देती हूँ। He plays with the cricketers play with him. प्रोनाउन है ही और हिम, क्योंकि हमने ये नाउन की जगह यूज किए हैं। आपको अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज, आपको सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। राम इज गोइंग टू द मार्केट। राम मार्केट जा रहा है। डैश इज गोइंग टू बाई सम बुक्स। अब जो डैश है, ब्लैंक है, उसमें हमें क्या भरना है? सुटेबल प्रोनाउंस। तो पहले सेंटेंस में नाउन कौन है? राम। राम कौन है? बॉय। मीन्स वन नाउन सिंगुलर और वह बॉय है, तो हम यूज करेंगे ही। ही इज गोइंग टू बाय सम बुक्स। माय नेम इज रोहन। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम 7 इयर्स ओल्ड। तो यह आई क्या है? हमारा प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से रीड करके और अच्छे से ही सब में सूटेबल प्रोनाउंस भरने हैं।